हर आदमी सेफ्टी से चलेगा, लेकिन एक चीज एलविश यादव पूरी तरीके से बेगुनाह है, मैं गारंटी के साथ। एलविश यादव बेगुनाह? बेगुनाह। कैसे? ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नेक्सस जो है वो मेनका गांधी चला रही है, ये आपके पास एविडेंस है? एविडेंसेस हैं, पूरी एविडेंसेस हैं मैडम, बिना एविडेंस के मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता। बताइए कोई एविडेंस दिखाइए। तो अरेस्ट भी हुई थी? अरेस्ट भी हुई थी, उनकी पूरी टीम, मोहित चावरे, विमलेश नवानी, लता परमार अरेस्ट हुई थी। अरे अरेस्ट हुई थी ये टीम जो है, ये मेनका गांधी की टीम है और ये अरेस्ट भी हो चुकी है। अरेस्ट हो चुकी है, बाद में इस पर चार्जशीट के अंदर 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस फाइन पुलिस मुंबई ने लगाया है। एलविश यादव को गिरफ्तार करके 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, अभी भी उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब उन्हें नोएडा कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस ने अपनी गलती मानी कि NDPS एक्ट की जो धारा लगाई गई थी उसमें वो संशोधन कर रही है, क्योंकि उसमें गलती हो गई थी, लिखने में गलती हो गई थी, जिसकी वजह से संशोधन करना पड़ रहा है। अब इसे ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एलविश यादव के साथ एक बड़ा खेल जो है वो हो रहा है। आखिर लिखने में गलती कैसे पुलिस कर सकती है, वो भी आप देखिए। एलविश यादव को लेकर जिन पर गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, ऐसे में आप कुछ भी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ फंसाने के लिए किया जा रहा है। अब ऐसे में उनका परिवार जो है वो ये कह रहा है कि एलविश यादव बेगुनाह है, उनके पिता का भी यही कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब ऐसे में नाम जो सामने आ रहा है वो मेनका गांधी की संस्था PFA का नाम सामने आ रहा है। PFA के मेंबर हैं गौरव और सौरभ गुप्ता, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एलविश यादव पर FIR करवाई है। इतना ही नहीं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लेकिन अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा खुलासा PFA को लेकर हो रहा है, उसके मेंबर सौरभ और गौरव गुप्ता को लेकर हो रहा है। इससे पहले भी हमने कई सारे खुलासे किए हैं, 2017 का जो मामला है उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। इसके साथ ही यहां से लेकर तमाम जगहों पर उनके खिलाफ क्या कुछ FIR हैं, किस तरीके के मामले हैं, वसूली रैकेट चलाते हैं, ऐसा भी आरोप लगा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ है पीड़ित रवि विक्रम भटनागर जी, जिनके साथ इसी तरीके से एक केस जो है वो दर्ज कराया गया था। यही थाना है जहां से इन्हें गिरफ्तार करके बॉम्बे पुलिस लेकर गई थी मुंबई। मुंबई लेकर जाया गया था, यहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और ये गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि आप उनकी जो संस्था है उसका काला चिट्ठा जो है वो एक तरीके से सामने रख रहे थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। क्या कुछ मामला था, कैसे आपको गलत तरीके से फंसाया गया था, जैसे एलविश यादव को फंसाया गया ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, इनका जो पूरा एक गैंग है ये सिर्फ एनिमल वेलफेयर में ही इन्वॉल्व नहीं है। ये झूठे मोलेस्टिंग केस डालना, बिल्डर से एक्सटॉर्शन करना, और जो हमारे देश में जो वीमेन सेंट्रिक लॉज है उनका मिसयूज करना, मतलब काफ़ी लंबा इनका रैकेट है। लेकिन फिलहाल में हम फोकस करते हैं एलविश भाई के ऊपर, क्योंकि इस समय वो जेल में है और मैं जेल में रह के आया हूँ तो मुझे पता है वहाँ का मतलब कितना अंदर दर्द होता है। तो एलविश यादव जी का जो FIR है मैडम, उसके लिए मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूँगा, जो बेसिक FIR है वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है ये एक स्पेसिफिक एक्ट है, स्पेशलाइज एक्ट है। इस एक्ट के अंदर अगर आप किसी को भी FIR करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन तो दे सकता है। सपोज़ मेरे को पता है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के साथ क्रुएल्टी हो रही है तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, कहीं जाऊँ और FIR कराऊँ, वो नहीं हो सकती। मुझे या तो वाइल्ड लाइफ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर जाके पुलिस उस पर 100 मोटो FIR लेगी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उस पर FIR करेगा, या फिर उसके अंदर बनता है वाइल्ड लाइफ ऑफेंस रिपोर्ट तो वो बनेगी। तो इसके अंदर सब कुछ वायलेट होते हुए ये FIR करी गई। और इसके अंदर जो 120B लगाया है मैडम, ये बिल्कुल गलत लगाया है पुलिस ने, मतलब NDPS शायद मुझे इसलिए लगाया कि इस FIR को कवर किया जाए कि हमसे जो गलती हुई। जी रवि जी, इस वक्त हमारे पास वो FIR है, जो FIR की कॉपी है जो एलविश यादव पर की गई है, और इसमें कई सारे जो हैं वो धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन इसमें NDPS एक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है, वो बाद में लगाया गया है। नहीं, ये IO का राइट होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, अगर उसे लगता है तो कुछ तो धारा घटाया बढ़ा सकता है। लेकिन जब भी मेनका गांधी PFA किसी पे केस करेगा उसमें कोई धारा घटती नहीं है, उसमें धाराएं बढ़ाई जाती हैं। मेनका गांधी का फोन आता है, हरामजादे सॉरी मैं ये भाषा हूँ कि ये FIR ये वाली धारा लगा रहा है, तुझे नौकरी से हटवाऊँ, अभी कमिश्नर से बात करूँ, मतलब मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा। एक पुलिस ऑफिसर को बोलती हैं कि तेरे को मैं स्टॉकिंग के केस में फंसा दूंगी, मैं एक ईमेल आपको दूंगा जिसमें वो एक एनिमल एक्टिविस्ट का नाम ले रही हैं कि ये बड़ा खतरनाक है, इसका ध्यान रखो, और बाद में उसी के ऊपर एक रेप केस डाला जाता है झूठा, वो भी मैं आपको एविडेंस दूंगा। एक एक चीज जो भी है मेरे पास पूरी एविडेंस। ये आपके पास ये पूरा काला चिट्ठा, ये पेपर आप दिखाइए। ये मैं पूरा काला चिट्ठा नहीं है, शायद 1-2% का काला चिट्ठा है, बस पूरा ये 1-2% का काला चिट्ठा जो है वो है। और इसमें कई सारी चीजें जो हैं इसके अंदर हैं, जिससे ये पता चलता है
कि किस तरीके से इनका एक जो रैकेट है वो चल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, आप ये बोल रहे हैं कि धमकी दी जाती है, आप पर भी बहुत धमकी आती है, आप घर से निकल नहीं पा रहे हैं, कई सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, आप जेल भी जा चुके हैं, ये सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता के ही इशारे पर एक जो इन्होंने इको सिस्टम तैयार कर रखा है कि कैसे किसको फंसाना है, उसके बाद क्या क्या धाराएं लगानी है, तो क्या पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में फेयर जांच नहीं कर पाता, वो किस प्रेशर में रहता है? देखिए मैडम, पुलिस के लिए मैं बिल्कुल साफ शब्द में बोलूंगा, पुलिस सरकार की पूत, जिसकी सरकार उसके पूत। पुलिस को आप कह सकते हैं कि जिसकी सरकार है, जो पावर में उसके हिसाब से काम करेगी, उसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस पुलिस स्टेशन में मैंने 2 FIR इनके खिलाफ कराई, कोई एक्शन नहीं हुआ, और भी जगह कराई, कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि मेनका गांधी का फोन, और मेनका गांधी को आप अगर सोचें वो छोटा मोटा है नाम है, नहीं, वो एनीवे वेलफेयर की पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एनीवे वेलफेयर की मेनका गांधी इस समय पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी माफिया है। पीटा हो, कोई भी हो, वो सब उसके नेक्सस, ये पूरा नेक्सस जो है सब पीटा वगैरह मेनका गांधी के अंदर है, मेनका गांधी इनके अंदर बिल्कुल नहीं है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। नेक्सस जो है वो मेनका गांधी चला रही है, ये आपके पास एविडेंस है? एविडेंसेस हैं, पूरी एविडेंसेस हैं मैडम, बिना एविडेंस के मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता। बताइए कोई एविडेंस दिखाइए। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको एलविश यादव की जो FIR है नल एंड वाइट कैसे है, आप ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है किसी को भी कोई रेड मारने का राइट नहीं है। अगर आप कैमरे पे जाएगा देखिए मैडम, किसी को भी, मैंने जैसे पहले बोला, किसी को भी राइट नहीं है किसी के प्रीमिसेस में घुसने का, रेट मारने का, एनिमल वेलफेयर के बोर्ड के हिसाब से या वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से। सौरभ गौरव गुप्ता की जो आप FIR पढ़ेंगे एलविश यादव, तो उसमें लिखा है कि वन विभाग की टीम और पुलिस वहाँ मौजूद थी। तो जब पुलिस मौजूद थी, वन विभाग की टीम मौजूद थी, तो सौरभ गौरव गुप्ता, विद्यापयांशु कुंद्रा और PFA ने FIR क्यों कराई? वन विभाग की टीम को लिखना नहीं आता क्या, या पुलिस वालों को लिखना नहीं आता, उन्हें कोई राइटर चाहिए था वहाँ से बुलाने के लिए? ये FIR सिर्फ और सिर्फ 100 मोटो होनी चाहिए, जो हमारा कानून बोलता है। इसके कोर्ट के भी काफ़ी ऑर्डर हैं, पुलिस के पास डिटेंशन का राइट है, अरेस्ट का राइट है, सर्च का राइट है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन RTS का जो 55 है उसके अंदर भी लिखा है कि कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है। जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप रहते हैं यहाँ दिल्ली NCR में, और आपको गिरफ्तार करके मुंबई क्यों ले जाया जाता है? मैडम मैं आपको बता ना, पूरे इंडिया में पैन इंडिया लेवल बेस पे इनका वो जो है, मुंबई से कोई भी कनेक्शन है? बहुत कनेक्शन है इनका मैडम, मुंबई से बेंगलोर से, पूरे इंडिया में इनका है मैडम। और मैंने मुंबई की लता परमार को एक्सपोज किया था, लता परमार और दुर्गा राय को, तो उस वजह से उन्होंने मेरे को महिला वाला। लता परमार कौन है? लता परमार मुंबई प्रेसिडेंट हैं पीपल फॉर एनिमल की, जो काफी मशहूर तो नहीं, बदनाम है लोगों पे झूठे रेप के केस डालने में। अच्छा, ये ऐसे, ये केस? हाँ, ऐसे मतलब हिस्ट्री है मैडम, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और उनके खिलाफ भी मैंने FIR कराई थी सरकार के साथ, उन्होंने सरकार की पुलिस ऑफिसर की सील फर्ज करी थी, सिग्नेचर फर्ज करे थे, उसमें वो अरेस्ट भी हुई थी। अरेस्ट भी हुई थी उनकी पूरी टीम, मोहित चावरे, विमलेश नवानी, लता परमार अरेस्ट हुई थी। अरे, अरेस्ट हुई थी ये टीम जो है, ये मेनका गांधी की टीम है, और ये अरेस्ट भी हो अरेस्ट चुकी है। अरेस्ट हो चुकी है, बाद में इस पर चार्जशीट के अंदर 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस फाइन पुलिस मुंबई ने लगाया है। उसके बाद ये मैडम रिवेंज मोड में आ गए, घटना को किसी तरह खत्म करो, मुझे पैसे का लालच दिया नहीं बिका, फिर मुझे धमकियां दी गई। ऐसे लोग जो है वो एलविश यादव के खिलाफ FIR करवा रहे हैं, जिन पर खुद ही तमाम केस दर्ज हैं, जो खुद जेल जा चुके हैं, उनकी जो टीम है जैसा कि ये बता रहे हैं। अब ये पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है, सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ये लोग होंगे यहाँ पर, उनका ये सवाल होगा कि आखिर ये सारी चीज़ें मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जो अपने आप को ये कहता है कि हम मेन स्ट्रीम में हैं, बड़ी बड़ी बातें, वो लोग तो इतने सारे झूठ फैला रहे हैं। वहाँ पर आप एंकर को देखेंगे या तमाम जो रिपोर्टर, वो ये लिख रहे हैं कि जब रेड पड़ी थी तो एलविश यादव मौजूद था, जबकि एलविश यादव उस रेड में था ही नहीं, जब वो रेड पड़ी तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं था। तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों ये सब चीज़ें कवर नहीं कर रहा है, जो ये दूसरी साइड जो है इसे क्यों नहीं दिखा रहा है, इस पर खुलासे क्यों नहीं किए जा रहे हैं, सनसनी केज खुलासा सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता पर क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इतने सारे मामले हैं? देखिए मैडम, इंडिया में आप भले ही हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी वगैरह यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे आज भी माइट इज राइट चल रहा है। किसी भी देश का सिस्टम 3 चीज़ों पर चलता है, पॉलिटिकल, जुडिशरी और लेजिस्लेशन पे। तो हमारे देश में जो आम जनता आज शांति से जी पा रही है, वो सिर्फ जुडिशरी की वजह से जी पा रही है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत न्याय मिलता है, वरना ये पुलिस और पॉलिटिशियन, तो मतलब अब तो काफी चेंज आ गया, लेकिन अभी भी कुछ बचे हैं पुराने वाले मेनका गांधी जैसे। आपने मीडिया से कांटेक्ट नहीं किया? काफी मीडिया से कांटेक्ट किया मैंने, इंडिया नाउ या इंडिया TV के यशवंत राणा जी से कांटेक्ट किया, उनका मतलब बिल्कुल रटा रटाया जवाब था, बिल्कुल मुझे पता चला कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें दोबारा कॉन्टेक्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, मुझे बॉम्बे मीडिया ने काफी अच्छी कवरेज दी, फ्री प्रेस जनरल ने काफी अच्छी कवरेज दी, मतलब जब ये लोग अरेस्ट वगैरह हुए थे तब उन लोगों ने कवरेज दी।
अच्छा, चलिए दभारा शो भी आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है, चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। कोई भी अगर बेगुनाह है तो उसको किसी भी तरीके से फंसाया ना जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो एक ना एक दिन जो समय है, वक्त है, वो बदलेगा, सरकार बदलेगी, चीज़ें बदलेंगी, तो हो सकता है आपके ऊपर भी। सरकार तो बदल चुकी है, अब तो सरकार बदलने के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका जो प्रिंसिपल है इनोसेंस का, तो प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस पे हम लोग काम करते हैं, हमारी जुडिशरी काम करती है कि जब तक आपको गिल्टी प्रूव नहीं होते आप इनोसेंट हैं। लेकिन मीडिया ने तो ट्रायल चला के मुझको भी गिल्टी कर दिया, एलबीश यादव को भी गिल्टी साबित कर दिया, जबकि जो एक्चुअल कल्प्रिट सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, लता परमार, मेनका गांधी की सिस्टर अंबिका शुक्ला है, इन लोगों के ऊपर अब तक इनकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? उसका एक ही रीज़न है, पैसा। मेरे पास मेनका गांधी के पूरे एनजीओ का टैक्स रिटर्न है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप इसमें आप देखिए, कोई भी जो एनजीओ है बॉस, मैडम, कोई भी एनजीओ, एफसीआरए जो है फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकती, इसमें मेनका गांधी ने एफसीआरए फिक्स डिपॉजिट कर रखी है काफ़ी ज़्यादा पेपर से। आप इसमें देखिए इनके फिगर्स देखिए, फिर भी भीख मांगते रहते हैं, पूरे मेरे पास 3 साल की इनकी है, और भीख मांगते हैं, मैं चैरिटी नहीं कर रहा, भीख मांगते हैं, ब्लैकमेल करके एक्सट्रोशन लेते हैं। इनके फिगर्स देखिए, आप ये मुझसे ले जा सकते हैं। अंबिका शुक्ला ये कौन है? मेनका गांधी की बहन है, ये मेनका गांधी है और ये उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अरुण भाटिया। हाँ, पार्टनर है जो भी, नहीं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, ये तो पूरी की पूरी डिटेल्स मेरे पास है इनकी, पूरा का पूरा चिट्ठा है। गाजियाबाद के भी एक बिल्डर से इन्होंने मतलब उसके ऊपर झूठा केस डाला 419-420 का, और सुनने में आया कि 50 लाख रुपए की रंगदारी लेकर उसको छोड़ा, कंप्रोमाइज हुआ। गाजियाबाद का बिल्डर है जिससे 50 लाख इन्होंने रंगदारी ली, तो श्योर है रंगदारी, मतलब ये नहीं कि अंदाजा कह रहा हूँ, श्योर लिया है इतने पैसे लिए। हाँ, 50 लाख की मेरे पास इन्फॉर्मेशन, हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह फंसाया गया था, और जरूरत पड़ी तो मैं साबित करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैडम मीडिया से पहले, मीडिया में अगर लीक होते तो ये बिल्कुल मैनेज कर जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीधी की सीधी एजेंसीज के पास जानी चाहिए, और मैं एजेंसीज को अप्रोच किया है, लेकिन मतलब स्लो चलते हैं, आपको पता है कि जब एक फ़ोन जाता है किसी बड़े आदमी को, और अभी वैसे भी कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन है, तो जरा हर आदमी सेफ्टी से चलेगा। लेकिन एक चीज, एलविश यादव पूरी तरीके से बेगुनाह है, मैं गारंटी के साथ। एलविश यादव बेगुनाह? कैसे मैडम? मेरा जब मुझे पता है ना इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, मैं इनका भुक्त भोगी हूँ मैडम। पर लोग तो बोल रहे हैं कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप कैसे उन्हें बेगुनाह बता सकते हैं? भाई, आप उन्हें गुनाहगार कैसे बता रहे हैं? सबूत है क्या? एलविश यादव उस समय वहाँ पे मौजूद था जिस समय उन्होंने अरेस्ट किया। सबसे पहले मैडम, वो एलविश यादव ने क्या किया क्या नहीं, सब आप भूल जाइए। क्या ये FIR वैलिड है? पुलिस से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। वाइल्डलाइफ एक्ट के हिसाब से ये FIR वैलिड है, लीगल है या नहीं, पहले तो पुलिस से आप ये सवाल पूछो, बाकी एक्ट की तो बाद में बात आप करो। अब इसमें 50 लिख देते हैं मैडम, आर्टिकल जो है वाइल्डलाइफ का 50 जो एक्ट है उसके अंदर FIR होती नहीं है, वो तो आपको एक पुलिस का प्रोसेस बता रहा है कि पुलिस के पास सीजर की पावर है, डिटेंशन की पावर है, तो आप वाइल्डलाइफ 50 आप कौन सा क्राइम बना रहे हो? मतलब इसमें तो पुलिस भी क्रिमिनल है कि पुलिस का, मतलब 50 लगाए तो पुलिस का सीजर की पावर है, 50 आप लगाए, देखिए आप इसमें। ये गौरव गुप्ता और सौरव गुप्ता चीज क्या है मैडम? गुंडे हैं, माफिया हैं। अब मतलब जिसके आगे पुलिस प्रशासन, जिसके आगे मेनस्ट्रीम मीडिया नतमस्तक हो रहा है, कौन ये मैडम? इस पुलिस स्टेशन का मैं आपको वीडियो देता हूँ, अंदर घुस के सौरभ गौरव गुप्ता, ये पुलिस स्टेशन, हाँ, इस स्टेशन है। हाँ, इसी पुलिस स्टेशन सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता की बीवी कामनी ने टांड अप किया था, पुलिस वाले ऐसे बैठ के हंस रहे थे, सब एक ऑफिसर आवाज उठा रहा था, वो क्योंकि वो विक्टिम था, और उस पर भी किसी अधिकारी ने FIR नहीं करी। मैं कमिश्नर साहब के पास गया, ट्वीट किया, ये एप्लीकेशन दी, उसके बाद उनपे FIR हुई है। लेकिन एक्शन कुछ नहीं, एक्शन नहीं लिया गया। ये आप देख रहे हैं सरकारी अधिकारी को जान से मारने की धमकी, सरकारी अधिकारी को जान से मारने की धमकी, और यही पुलिस स्टेशन है जहां पर गौरव गुप्ता, सौरव गुप्ता और उनकी वाइफ कामनी तीनों ने यहां पर तांडव किया और एक अधिकारी के साथ मारपीट भी की। मारपीट के मतलब काफी हॉस्टाइल थे, मारपीट भी हो सकती थी उनके साथ। हाँ, लेकिन गला पकड़ा था उनका, मतलब वो एक दूसरी लोकेशन थी उसके साथ हुई, कहीं और हुई, लेकिन यहाँ पर नोक झोंक नहीं मैडम, बदतमीजी जैसे कहते हैं, महाबदतमीजी जैसे कहते हैं, गाली गलौज बहुत अच्छे से हुई है। मतलब मैं आपको वीडियो देता हूँ पूरा, जो मैंने शेयर भी किया पूरा, वो वीडियो एविडेंस के तौर पर आप दे दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ ये रवि विक्रम भटनागर जी हैं, जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, इनके और भी कई सारे मामले हैं, लेकिन इस वक्त हम ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या सबूत है इनके पास? कहीं ये एलविश यादव मामले में फेम लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ
कुछ ऐसा भी हो सकता है, लोग ये कहते हैं कि देखिए मामला है इसीलिए कोई भी आकर बोल रहा है, लेकिन जब इन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई और यहाँ पर आकर इन्होंने ये पूरा वाकया बताया, यहाँ पर मैंने लोगों से बातचीत की, तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ एक जो जिस वसूली रैकेट की बात कही जा रही थी कहीं ना कहीं वो चल तो रहा है, वो है तो, और इसी का पर्दाफाश होना चाहिए। आखिर इस पर मेनस्ट्रीम मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा, इसे क्यों नहीं वो ये इस जो दूसरी साइड है उसे दिखा रहा है, एक ही साइड पर क्यों बात की जा रही है? एलविश यादव कहाँ से खाते हैं, उनके घर में चूल्हा कहाँ से जलता है, वो कितना कमाते हैं, गाड़ी लोन पर है या रेंट पर वो लेकर आते हैं, उनका घर जो प्रॉपर्टी वो बना रहे हैं वो कहाँ से मिली, ये सारी चीज़ें तो आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ सौरव गुप्ता, गौरव गुप्ता जिन पर तमाम आरोप लगे हुए हैं, उनके बारे में खुलासे क्यों नहीं हो रहे हैं, वो साइड क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? मेनका गांधी के खुद के बहुत सारे ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये पूरा मामला जांच का विषय है। रवि विक्रम भटनागर जी, आपका मामला जो है, जो यहाँ पर दूसरा मामला है जिस आपने गौरव सौरभ गुप्ता और उनके वाइफ के खिलाफ FIR यहाँ पर दर्ज करवा रखी है, दिसंबर में करवाई है, अभी तक कोई मामला नहीं हुआ, क्यों? नहीं, एक तो उसके अंदर मैं इन्फॉर्मेंट हूँ, कंप्लेनेंट नहीं हूँ। उसके अंदर पुलिस ने 100 मोटे FIR लिए, काफ़ी मुश्किल से मेरे बार बार पीछे लगने के बाद इन्होंने एक पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी। तो आप उन्हीं का केस आप खुद वो करवा रहे हैं? मैडम बात ऐसी है, पुलिस की बात नहीं है, जब पुलिस का एक आम जनता में से विश्वास उठता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। पुलिस अधिकारी की सड़े आम सड़क के ऊपर बेचती हुई है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके गुंडागर्दी करी है, जिसकी पूरी वीडियोज़ मैंने आपको दे रहा हूँ। तो उनकी आप ताकत देखिए, जो आदमी पुलिस स्टेशन में घुसे गुंडागर्दी कर रहा है वो ये कहता है LB यादव से मुझे जान का खतरा है, मुझे इस आदमी से जान का खतरा है, और वो अपने साथ दो दो शेडो लेके चलते हैं, और सरकार ने पुलिस दे रखी है उन्हें, दोनों को एक एक PSO दे रखा है। हाँ, फेसबुक पे मैंने उनकी प्रोफाइल पिक्चर पर देखी है, दो उन्हें PSO मिला हुआ है। इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी उन्हें डर लग रहा है, और खुद भी गुंडे हैं, रिवॉल्वर उनके पास है, लोगों को धमकी देते हैं, ज्यादा बोलेगा तो मसाला भर देंगे, सीधा बोलते हैं मैडम, उनकी भी एविडेंस में। यहाँ पर आकर उन्होंने अधिकारी को पीटा था, पर अभी यहाँ पर धमकी दी जान से मारने की, काफी बदतमीजी की। तो अभी तो यहाँ पर एक जो है जो अब यहाँ नहीं है वो तो बोल रहे थे कि हाँ मामले को पता है, बाकी तो बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि मैं था ही नहीं, कोई बोल रहा है कि हम इस मामले में जानते ही नहीं है। सुरेंद्र का नाम क्यों आ रहा है? सुरेंद्र सिंह जी इसमें विक्टिम थे। अच्छा, वो विक्टिम थे, जो इंस्पेक्टर थे वो एक केस उन्हीं के साथ बदतमीजी हुई है, एक बार नहीं दो दो बार हुई है, पुलिस स्टेशन में आके हुई है। SHO अनिता चौहान ने भी सौरभ गौरव गुप्ता को काफी सपोर्ट करी, जो इस समय जा चुकी है यहाँ से। आप पर FIR क्यों करवा दी? मैडम रिवेंज, मैडम मेरी आवाज़ दबाना चाह रहे हैं कि मैं ना बोलूं। कुछ लोग होते हैं मैडम कि जेल जाके डर जाते हैं, कुछ लोग जेल जाके तो अभी तो रिवेंज लेने के लिए, आप जब पुलिस अधिकारी का मामला है तो आप भी उसमें तो जाकर FIR करवाने। मैडम बात पुलिस अधिकारी की नहीं है, पुलिस क्या है, पब्लिक सर्वेंट, मैं क्या हूँ पब्लिक, तो एज ए रूल अगर प्रिंसिपल देखे तो पुलिस मेरी सर्वेंट है। अब मेरे सर्वेंट के लिए साथ कोई बदतमीज करेगा तो मैं आऊँगा नहीं क्या? तो आप यहाँ पर आए? मैं आया यहाँ पे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी मैडम। और आपके खिलाफ कैसे FIR दर्ज हो गई? मैडम मैं इस FIR को डाइल्यूट करने के लिए सौरभ गुप्ता की पुलिस में कोई FIR नहीं ले रही थी, मतलब उस समय पता चल गया था क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इन्होंने भूपेंद्र सिंह पिंकी कोई हैं हिंदू रक्षा दल के, उनको साथ लेके जाते हैं शालीमार गार्डन के पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मेरे अगेंस्ट FIR करवाते हैं, और पुलिस का फोन आता है कि भूपेंद्र सिंह पिंकी ने FIR करी है आपके खिलाफ, वो मुझे अरेस्ट करने आए थे, हिंदू रक्षा दल हाँ शायद वही है, और मुझे यहाँ पुलिस लेने आती है मैडम, तो जब मैं बोलता हूँ कि FIR की कॉपी दो 41 ने दो, तो वो कुछ नहीं था, 160 का नोटिस देके चले जाते हैं। मतलब पुलिस अभी तो ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम संविधान के तहत काम करते हैं। मैडम प्रेशर नहीं है, वो आपको भी पता है, आप प्रेस के अंदर है, मुझे भी पता है, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। तो अभी आप ये बोल रहे थे कि कुछ आपके पास एविडेंस है जिसे आप देंगे तो UP पुलिस जो है वो घुटनों पर आ जाएगी। मैं आपको बिल्कुल देता हूँ, जिसके अंदर साफ साफ मुझे पुलिस कह रही है भूपेंद्र ने तुम्हारे ऊपर FIR कराई है, अगले दिन मैं FIR जब चेक करता हूँ तो चाहे FIR जो है गौरव गुप्ता ने करी है, मैंने निपुण अग्रवाल की कंप्लेंट करी है इसमें कि मुझे कमरे से गला पकड़ के हाथ पकड़ के धक्के दे के बाहर निकाला कि FIR के लिए दोबारा है तो तेरी माँ भी नेक कर देंगे, पूरी गालियाँ नहीं दे सकता मैं यहाँ पे। तो देखिए ये मामला ये ऐसा चल रहा है, अब मेनका गांधी की संस्था क्या कर रही है, सौरभ गुप्ता गौरव गुप्ता क्या कर रहे हैं इसमें, हिंदू रक्षा दल वो पिंकी चौधरी उनका भी नाम सामने आ रहा है, तो CM योगी आदित्यनाथ जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो CM योगी आदित्यनाथ तो सदन में भी कह चुके हैं कि यहाँ पर अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर कोई गलत करेगा तो उसे असली जगह जो है उसकी वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो जो है वो CM योगी आदित्यनाथ तक पहुँच जाए, और जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है वो सारी चीज़ें उनके संज्ञान में आए और इस पर एक ठोस जो है कार्रवाई की जाए, पूरे मामले की विस्तृत जाँच कराई जाए।
और पूरा फेयर ट्रायल जो है वो इस पूरे मामले की हो और ये पता चले कि आखिर ये कौन है सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता। और जैसे कि आप ये बोल रहे थे कि उनका कोई बिजनेस नहीं है लेकिन उनके पास संपत्ति बहुत है। हाँ, करोड़ों की संपत्ति है मैडम, उनका बिजनेस है मैडम, बिजनेस है उनका, काउ स्लॉटरिंग का, एक्सटॉर्शन का, ये बिजनेस ही है मैडम, भले ही ब्लैक बिजनेस है, ये सारी चीजें करते हैं, ये करते हैं। आप उनसे पूछे उनकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगी है मैडम, अब उनसे टैक्स रिटर्न मांगे, उनके बिजनेस की डिटेल मांगे, क्या इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, 70-70 लाख का वो गोल्ड पहन के एक साथ में घूमते हैं,